स्टूडेंट्स, अब हैं आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए कुछ फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपके पास? जब आपका टाइम क्या दे रखा हो, एग्जैक्ट दे रखा हो नंबर में। एग्जैक्ट नंबर का मतलब 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, कहने का मतलब क्या हो आपके पास ये टाइम एक एग्जैक्ट नंबर हो। ऐसा ना हो कि 2.5 साल, 3.5 साल, इस तरह से नहीं। टाइम क्या हो, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तो इस तरह से अगर आपके पास टाइम दे रखा हो तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास? कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला होता है आपके पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R/100 और उसकी पावर टी। आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया मिलेगा, रेट दी मिलेगी, टाइम दिया मिलेगा। आप क्या इवेलुएट कर लोगे इस फॉर्मूले से? अमाउंट इवेलुएट कर लोगे। और टोटल अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? इंटरेस्ट। और कैसा इंटरेस्ट आएगा? ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो था आपका वो केस जब आपका टाइम क्या हो, एग्जैक्ट नंबर हो, ठीक है। अगर मान लो आपके पास जो टाइम है आपका एग्जैक्ट नंबर ना हो तो उस केस में आप कैसे इवेलुएट करोगे? देखो, अगर टाइम आपका एग्जैक्ट ना हो, एग्जैक्ट ना होने का मतलब कुछ फ्रैक्शंस में दे रखा हो, तो आप क्या करोगे? उस टाइम को आप ब्रेक करोगे I+F। आई का मतलब कंप्लीट एंट्री, इंटीजर। एफ का मतलब फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरह से ब्रेक करके जो आपका अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100, जो भी आपका ये इंटीजर वाला पार्ट है वो, ठीक है। और साथ में इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1 प्लस R, जो भी ये फ्रैक्शन है उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे इस आर से, और डिवाइडेड बाय 100। जैसे मान लो आपका टाइम दे रखा है इसने 2.5 ईयर। 2.5 ईयर का मतलब 2.5 साल, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसको कंप्लीट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन इसमें डिवाइड कर दोगे, तो आपका जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा? 2+2.5। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे? पी इंटू 1+R/100, इसकी जो पावर करोगे वो 2, और साथ में 1+F कितना है आपके पास? 1/2। आर आपको दी मिलेगी, डिवाइडेड बाई 100। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन में टाइम दे रखा हो तो कैसे इवेलुएट करोगे अमाउंट को? इस तरह से इवेलुएट करोगे। अमाउंट आने के बाद आपका सी आई कितना आ जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। थर्ड केस आपका आता है कि अगर मान लो आपके पास रेट डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे पहले साल के लिए तो रेट कितनी है आपके पास? R1। दूसरे साल के लिए रेट कितनी है? R2। इस तरह से n ईयर के लिए रेट कितनी है आपके पास? Rn। तो उस केस में अमाउंट कैसे निकालोगे? प्रिंसिपल इंटू 1+R/100, 1+R/200 अप टू सो ऑन 1+Rn/100। ये तो आपके पास क्या है? पहले साल में रेट R1%, दूसरे साल में R2% और nth ईयर में Rn%। अब मान लो R1 रेट जो है आपके पास T1 टाइम के लिए है, T1 ईयर के लिए है। मींस मान लो आपकी R1 जो रेट है पहले 2 साल के लिए है, R2 जो रेट है वो अगले 3 साल के लिए है। इस तरह से हो आपके पास, मींस R1 तो कितने टाइम के लिए हो? T1 के लिए। R2 आपके पास 2 ईयर, T2 ईयर के लिए। R3 कितने ईयर के लिए हो आपके पास? T3 ईयर्स के लिए। एंड Rn रेट कितनी हो आपके पास? Tn ईयर्स के लिए हो। तो अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी आपके पास? T1। R1 कितने टाइम के लिए है? T1 टाइम के लिए। R2 कितने टाइम के लिए है आपके पास? T2 टाइम के लिए। और आपके पास Rn कितने टाइम के लिए है? Tn टाइम के लिए। तो इस तरह से आप क्या इवेलुएट करोगे? अमाउंट को इवेलुएट करोगे। अमाउंट आने के बाद आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? अमाउंट माइनस आपका प्रिंसिपल। तो ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो इनके ऊपर बेस। देखो बेटा, एग्जाम्पल क्या है आपके पास? फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ओन दिस। ओन का मतलब इतने रुपए पे लगता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर लगता है? प्रिंसिपल के ऊपर। तो प्रिंसिपल कितना दे दिया आपके पास? 8000।
टाइम कितना है आपके पास, 4 ईयर। तो देखो एग्जैक्ट नंबर में है आपका, तो इसका मतलब कौन सा केस जाएगा, फर्स्ट केस। आर कितनी दे दिया आपके पास, 10% पर एनुअल, ठीक है। तो आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना आएगा आपके पास, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टाइम की पावर। कर दो सारी वैल्यूज पुट जो जो आपको गिवन है, 8000 इंटू 1 प्लस आर कितनी है आपके पास, 10 डिवाइडेड बाई 100 टाइम कितना है आपके पास, 4। तो कितना आ जाएगा ये, 8000 इंटू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 10 प्लस 1 11/10, और कितने टाइम्स है ये आपका, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स क्या कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 11/10 11/10 11/10। किसी की पावर 4 का मतलब उसकी 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, 30 से आपकी 30 कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट कितना आएगा जब इसको सोल्व करोगे तो, 0.8। तो देखो आपने कितने रुपए लिए थे किसी से, 8000 रुपये, पे कितने करने पड़े हैं आपको, टोटल 11,712 रुपीज, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा रुपए हैं आपके पास वो क्या है आपका, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसा है आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट। जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो क्या करोगे, इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है आपका वो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल सेकंड देखो, एग्जाम्पल सेकंड में क्या है आपके पास, जो भी आपकी रेट, जो भी आपका टाइम है वो कैसे दे रखा है आपका, फ्रैक्शन में दे रखा है। लेकिन उससे पहले एक बार हम लॉग और एंटी लॉग निकालना सीखेंगे, क्योंकि जब कभी भी आप ऐसे पावर करोगी, अब तो ये तो मान लो 4 था, कम था, इसलिए हमने इजीली इसकी पावर कर दी। अब यहाँ पे मान लो 24 पावर होती, 25 पावर होती, तो इनको 24 या 25 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती इनकी, जो कि काफ़ी क्या हो जाता, आपका लेंथी हो जाता। और आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम लॉग अप्लाई कर देंगे तो पावर को क्या कर देगा, नीचे ले आएगा। लेकिन उसके लिए हमें लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करना, लॉग हम कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लॉग और एंटी लॉग निकालना सीखेंगे, ठीक है।